समास, सबसे पहले बात आती है समास होता क्या है। समास की परिभाषा, परिभाषा आपको पीछे लेके चलती हूँ मैं। मैंने आपको वर्ण पढ़ाए हैं, वर्ण पढ़ाए कि वो छोटे से छोटे दवनी जिसके टुकड़े ना हो सके। वर्णों ने क्या बनाए हैं, शब्द। क्या बनाए हैं, शब्द। दो वर्ण मिलेंगे संधि बनेगी, दो शब्द मिलेंगे समास बनेगा। क्या बनेगा, ध्यान रखना, दो से ज़्यादा शब्द नहीं, दो शब्दों के मेल से बना नया शब्द क्या बन जाता है, सामासिक पद। चलें भाई, यानी कि सम का मतलब होता है संक्षिप्त, आस का मतलब होता है कथन, संक्षिप्त कथन। यानी कि दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अब समास के भेद, समास के भेद, जैसे कि सबसे पहले हम बात कर, एक मिनट भाई, समास के मुख्य रूप से समास के कितने भेद होते हैं, छह भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, छह। एक एक पे काम करेंगे। जैसे कि नंबर एक, अविभाव समास। अविभाव समास, इसकी पहचान क्या होती है, पहचान कैसे करेंगे हम काम। इसकी पहचान होती है कि ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनके स्टार्टिंग में क्या आए, जैसे कि आए, आ, अनु, भर, हर, यथा, यावत, यथा, यावत, पर, परा, परति, परि। इन शब्दों से जिनकी क्या होती है स्टार्टिंग, वो सभी शब्द समास पूछे तो किस में चले जाते हैं, अविभाव समास में। आ, अनु, भर, हर, यथा, यावत, यार, पर, परा, परति, परि। परपरा वृत्ति परि, एक तो होती है ये पहचान, और दूसरी पहचान कैसे होती है कि दो पद होंगे, दोनों पद समान होंगे, दो पद होंगे, दोनों पद क्या होंगे, समान होंगे, एक दूसरे के एक जैसे लिखे होंगे, और बीच में किसकी मात्रा से जुड़े होंगे, वो ओ की मात्रा से जुड़े होंगे। दो पद समान होंगे, दोनों पद एक दूसरे के साथ जब जुड़े होंगे तो ओ की मात्रा से जुड़े होंगे। जैसे कि मैंने लिखा दिनों दिन, दिनों दिन, रातों रात, रातों रातों रात, दिनों दिन, रातों रात, रातों रात, ठीक है, दिनों दिन, रातों रात, हाथों हाथ, फल हाथों हाथ बिक गए, हाथों हाथ। यदि आपसे अंडरलाइन करके पूछ ले तो हाथों हाथ, दिनों दिन, रातों रात, बातों बात, बातों ही बातों में, ठीक है। ऐसे वाले एग्जाम्पल भी किसके उदाहरण होते हैं, अविभाव समास के। किसके उदाहरण होते हैं, अविभाव समास के। और बाकी अविभाव समास में जैसे कि आजन्म, अनुमान, भरपेट, हर दिन, यथाशक्ति, यथाबुद्धि, यथामति, यावत जीवन, जीवन के अनुसार। इसका मतलब ये संस्कृत का होता है, ये एस्टेट में आया था, यावत जीवन, याव जीवन, प्रति, प्रमाण, पराक्रम, प्रतिकूल, परिभ्रमण, परिक्रमण, इस प्रकार के उदाहरण किसके हो जाते हैं, अविभाव समास के। दो पहचान याद रखनी है, आ, अनुभर, हर, यथा, यावत, याव, पर, परा, प्रति, परि। और या फिर दो पद होंगे, दोनों पद मध्य में किसकी मात्रा से जुड़े होंगे, ओ की मात्रा से, तो किस समास के उदाहरण हो जाएंगे, अविभाव समास के। चलो आगे, नेक्स्ट, इसके उदाहरण बताई दिए हैं आपको, यथा बुद्धि, यथामति, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, अभी सर एक बार इसके फटाफट करवा देते हैं, फिर थोड़े संधि के रूल करा दूंगी, संधि तो उसमें भी है बच्चों की। उसके बाद दूसरा पार्ट आता है हमारा तत्पुरुष समास। भाई तत्पुरुष समास में क्या होगा, तत्पुरुष समास में आपका जो है तत्पुरुष समास के अंदर हमारा क्या होगा, जो आपने कारक पढ़े हैं, जो कारक पढ़े हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, वो विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। तत्पुरुष समास में पहचान के तौर पर आपको क्या याद रखना है, पहचान के तौर पर याद रखना है आपको कारक चिन्ह,
कारक चिन्हों की विभक्ति, कारक चिन्ह चिन्हों का लोप होगा, विभक्ति चिन्ह शामिल होंगे इसमें। लेकिन क्या होगा, कारक के तो 8 भेद होते हैं बट तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्ता तत्पुरुष समास, संबोधन तत्पुरुष समास नहीं होता है, कर्म तत्पुरुष समास से स्टार्ट होता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं मिक्स लिख देती हूँ, क्या होता है कि वो अलग अलग नहीं पूछता है। जैसे मैंने लिख दिया यश प्राप्त, क्या लिख दिया यश प्राप्त, तो आप जब विग्रह करते हो तो यश को प्राप्त, अब कर्ता ने कर्म को, क्या हो गया कर्म तत्पुरुष समास, क्या हो गया कर्म तत्पुरुष समास। उसके बाद एक और ले लीजिएगा देश निकाला, देश निकाला, जैसे मैंने लिख दिया देश निकाला, अब क्या हो गया देश के लिए निकाला नहीं, मैंने लिख दिया देश से निकाला, देश से निकाला, सेम कर लो आप, देश से निकाला, अब अलग हो गया, देश से निकल करके कोई चीज़ क्या हो गई अलग, अलग होने के सेंस में अपादान तत्पुरुष समास, वैसे ये ऐसे ऐसे आता नहीं है लेकिन सीधा आता है तत्पुरुष समास। उसके बाद देश प्रेम लिख दूँ मैं, देश प्रेम, देश के लिए प्रेम, ठीक है। उसके बाद अब मैं लिख दूँ देश रक्षा, देश के लिए रक्षा, ठीक है। उसके बाद देश भक्ति, ठीक है। उसके बाद एक आध एग्जाम्पल और लीजिएगा, जैसे कि मैंने लिखा जग बीती, मैंने लिख दिया जग बीती, जग बीती, जग पर बीती, आप पर बीती, पर अधिकरण तत्पुरुष समास, पर क्या हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास। जैसे कि मनोहर, मन को हरने वाला, लेकिन वाला पे नहीं जाना है आपको, किस पे नहीं जाना है, वाला पे नहीं जाना है, क्योंकि वाला तो कौन है कर्ता, कर्ता इसका पार्ट नहीं है, कर्म तत्पुरुष समास। कहने का मतलब है कि तत्पुरुष समास में जब आप जाते हो तो कारक के विभक्ति चिन्हों को देखोगे, कारक के विभक्ति चिन्हों को यदि वो खुद ही विग्रह करके, अच्छा विग्रह क्या होता है, विग्रह होता है समास को अलग करना, समासिक पदों को अलग करना, विच्छेद होता है संधि में, संधि को अलग करना संधि विच्छेद, और समास को अलग करना क्या होता है समास विग्रह, क्या कहलाता है समास विग्रह। उसके बाद नेक्स्ट एक आध एग्जाम्पल और देख लीजिएगा आप, जैसे कि मैं कहूँ पाप मुक्त, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। उसके बाद नेक्स्ट देखिए भाई, हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है द्विगु समास, तत्पुरुष हो गया, नेक्स्ट देखिए द्विगु, द्विगु समास में आपने तत्पुरुष में क्या करना है, कारक चिन्हों को याद करना है, वहीं से आपका कितने भी एग्जांपल कर लेना आप कारक चिन्ह का उसके अंदर मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट आता है आपका द्विगु समास, भाई द्विगु समास में क्या पहचान होती है, ये जो लास्ट टाइम है इसी यहाँ पर आपको पहचान के जरिए ही काम करना है, पहचान द्विगु समास में पहचान होगी कि प्रथम पद, प्रथम पद संख्यावाचक होगा, प्रथम पद संख्यावाचक, प्रथम पद क्या होगा संख्यावाचक होगा, और दूसरा पद संख्या होगा, प्रथम पद संख्यावाचक होगा वहां क्या होगा। और जब हम विग्रह करते हैं, यदि वो विग्रह करके दे देता है तो आपको द्विगु में या तो का समाहार के सम, का समाहार या फिर का समूह, इन शब्दों से देता है। समाहार का मतलब भी क्या होता है, इकट्ठा करके, यानी कि समूह ही बात हो रही है। जैसे कि द्विगु समास का एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे मैंने कहा त्रिलोक, मैंने कहा त्रिलोक, विग्रह क्या बन रहा है तीन लोकों का समूह, तीन लोकों का समूह। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल ले लो आप, तीन लोकों का समाहार भी बोल सकते हो, चौराहा चार राहों का समूह, ये आता है कई बार, नवरात्र नौ रात्रियों का समूह या फिर समाहार, दशानन, दशानन, दशानन यहाँ भी आ सकता है आपका, बट ऑप्शन में बहुवरी नहीं रखेगा, बट ऑप्शन में बहुवरी, अगर ऑप्शन में बहुवरी रख दे, मान लीजिए रख दे,
तो आपको बहुव्रीहि रख पे ही करना है, क्योंकि वो क्या है, योगरूढ़ शब्द है। योगरूढ़ शब्द मैंने पीछे कराए कि वो शब्द होते हैं जो अपने रूढ़ अर्थ में ही प्रयोग, वो हमेशा से उसी के लिए इस्तेमाल होता है। दस आननों का समूह या समाहार। उसके बाद ऐसे ही आपका तिरंगा एग्जाम्पल बनता है, सप्ताह 7 दिनों का समूह। नेक्स्ट पे आ जाइए भाई, द्विगु समास में आपको क्या पहचान रखनी है कि पहला पद संख्यावाचक होगा, पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक। नेक्स्ट में आ जाइए भाई, नेक्स्ट है आपका द्वंद्व समास। इसमें क्या होगा पहचान देखिए, इसमें आपको एक पहचान मिलेगी पहली बात कि दो पद होंगे उत्तर पद, और दोनों पदों के मध्य क्या होगा, योजक चिन्ह, या तो योजक चिन्ह देगा। और यदि वो विग्रह करके दे दे तो वो बीच में, दोनों पदों के बीच में या तो वो क्या लगाएगा, तथा, या क्या लगाएगा, और, या वो या लगा सकता है या वो अथवा भी लगा सकता है, तथा और या अथवा एवं भी लगा सकता है, क्या लगा सकता है, एवं भी लगा सकता है। इन शब्दों के साथ देता तीसरी पहचान, ये एक दूसरे के विलोम भी हो सकते हैं, एक दूसरे के क्या हो सकते हैं, विलोम। जैसे कि मैंने लिखा लाभ हानि, मैं क्या लिख रही हूँ, लाभ हानि, मैंने लिखा दिन रात, मैंने लिखा माता पिता, मैंने लिखा शिव पार्वती राधा कृष्ण, ठीक है, राम सीता, पति पत्नी, वो चीज़ें हो गई। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं हम, यानी कि लाभ हानि खरा खोटा ऊंच नीच ये सब किसके उदाहरण होते हैं, द्वंद्व समास के। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आ जाइए आप, नेक्स्ट पार्ट है हमारा द्वंद्व के बाद आता है कर्मधारय समास में क्या होता है। कर्मधारय समास के अंदर आपको पहचान क्या करनी है, पहचान होगी कि विशेषता बताई जाएगी, क्या बताई जाएगी, विशेषता। अब विशेषता जिन शब्दों की बताई जाती है, अगर आपसे पूछना चाहूँ विशेषण के अंदर विशेष्य भी बताया था मैंने, यानी कि एक तो इसमें क्या होगा, विशेष्य, और एक क्या होगा, विशेषण, क्या होगा, विशेषण। इस तरीके की फॉर्म बनेगी, या तो विशेष्य विशेषण देगा, या तो विशेष्य विशेषण देगा। लेकिन यदि वो हमसे विग्रह पूछ लेता है तो विग्रह करने में क्या पहचान है कि ये वो शब्द होते हैं या तो के समान शब्द से टूटेंगे, या ये के समान, या फिर है जो शब्द से टूटते हैं, है जो पद से, है जो ऐसे करके, या फिर कई बार के रूपी भी लग जाता है, के रूपी पद से भी टूट जाते हैं, के समान है जो या के रूपी। देखिएगा जैसे कि मैंने कहा कनकलता सोने के समान लता है, कनक रूपी लता। दूसरा मैं कहूँ नीलकंठ, कई बच्चों को लग रहा होगा कि मैडम ये तो नीलकंठ तो उसमें भी आता है। नीलकंठ यानी कंठ की विशेषता बता दी कि कैसे कलर का है, नीले कलर का, लेकिन विग्रह अलग बनेगा, नीला है जो कंठ। उसके बाद नेक्स्ट पीतांबर, पीला है जो अंबर, ध्यान रखना पीला है जो अंबर, नीला है जो कंठ, पीला है जो अंबर। यानी कि कपड़े की विशेषता बताई है कि कैसे रंग का है, पीले रंग का। चलूँ आगे, ध्यान रखना बहुव्रीहि में लेके चलती हूँ, अब वहाँ ये उससे अलग कैसे होता है उस चीज़ को देखिएगा, उसकी पहचान होगी आपकी अलग। इसमें आपने किससे तोड़ना है, या तो के समान, या है जो से, या फिर के रूपी शब्दों से, इन शब्दों का हम क्या करते हैं, विग्रह करते हैं। अब जैसे कि एक दो एग्जाम्पल और मैं बोल देती हूँ, जैसे क्रोध अग्नि, अग्नि क्रोध अग्नि,
अग्नि रूपी क्रोध, क्रोध रूपी अग्नि नहीं, विग्रह गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बहुवरी में आ जाइए भाई। कई बच्चों को रहता है कि मैडम क्रमधारी और बहुवरी में पजल होते हैं, बहुवरी की एक अलग से पहचान है, बहुव्रीही समास। बहुव्रीही समास में क्या होता है, आपको पहचान देखिएगा, पहचान क्या होगी अभी मैं आपको वो भी बताऊंगी किसका पद कौन सा प्रधान होता है, एक टेबल बनाएंगे। पहचान क्या होती है कि इसमें जब हम बात कर रहे होते हैं तो ये एक विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरफ इशारा करेगा, किसकी तरफ इशारा करेगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरफ, व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराएगा, सिर्फ व्यक्तिवाचक का, जातिवाचक का नहीं, किसका कराएगा, व्यक्तिवाचक का। दूसरा, ये सारे योग रूढ़ होते हैं, दूसरा ये सारे क्या होते हैं, योग रूढ़ होते हैं, और जब हम विग्रह करते हैं या तो ये है जो से बिल्कुल टूटेगा, है जो से, या तो ये है जो से टूटेगा, है जो इससे भी टूटेगा, उसका रीजन है अभी बताऊंगी आपको, या जिसका जिसके, इन शब्दों से टूटेगा। अब जब आप ध्यान देना है जो से तोड़ोगे, है जो से विग्रह करोगे, तो आपने एक क्वेश्चन करना है, कौन। जैसे ही आप विग्रह करोगे, जैसे ही विग्रह हुआ, क्वेश्चन कर लेना कौन। यदि आपको आंसर में कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा मिलता है तो आंसर रहेगा बहुव्रीही, आंसर रहेगा बहुव्रीही। और यदि आंसर नहीं मिला तो कर्मधारय ऑप्शन में लेके जाना पड़ेगा, किस में लेके जाना पड़ेगा, कर्मधारय में। और इसका जब विग्रह करते हो, जैसे कि अभी मैं विग्रह करके दिखाऊंगी आपको, जिसका या जिसके, एकदम से क्वेश्चन कर लेना, साथ ही जिसका बोल रहे हो तो किसका बोल देना, क्वेश्चन कर लेना, जिसके बोल रहे हो तो किसके बोल देना, क्वेश्चन कर लेना। क्वेश्चन करते ही जो आंसर मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा बहुव्रीही। और नहीं मिला कर्मधारय, नहीं मिला कर्मधारय, उदाहरण देखिए भाई, मैं वही वाला उदाहरण ले लेती हूँ, और भी लेंगे, नीलकंठ, चिंता मत करो आप, नीलकंठ। जब मैंने इसका कर्मधारय में विग्रह किया, नीला है कंठ जो, यहाँ वहाँ मैंने ये किया था, अब यहाँ पर नीला है कंठ जो मैं जब करती हूँ तो मैं करती हूँ कौन, मैं क्या करती हूँ कौन, तो आपको आंसर मिल भी रहा है कि किसकी बात हो रही है, शिव जी की बात हो रही है। लेकिन इसका विग्रह अगर आप उससे करते हो, एक से करके देखना है, एक से करके देखना है, नीला है कंठ जिसका, मैंने लिखा है नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, अब मैंने क्या कहा था, जिसका बोलते ही क्वेश्चन कर लेना किसका, क्वेश्चन कर लेना किसका, आंसर क्या आ गया, क्या आ गया, शिवजी। किसका है नीला कंठ, शिवजी, शिवजी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आपने देखा है, तो मैंने कहा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरफ इशारा करेगा। नेक्स्ट, पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, किसके, श्री कृष्ण, आंसर आ गया। नेक्स्ट, लंबोदर, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, किसका, गणेश, आंसर आ गया। तो ये सभी देव देवता किसमें चले जाएंगे, व्यक्तिवाचक में, किसमें चले, देव शब्द जातिवाचक है बट पर्टिकुलर देव का नाम व्यक्तिवाचक है। अब मैडम आप कह रहे थे कि इसका क्या है, इसका भी होता है, इसी के एग्जाम्पल में हम एक बार इसका और देख लेते हैं कि कैसे होता है। देखिए भाई, जैसे मैंने कहा महावीर, अब देखो महावीर, महान है जो वीर, विग्रह क्या बन रहा है यहां पर, महान है जो वीर, महान है जो वीर, कौन है, हनुमान, कौन है, हनुमान। यदि ऑप्शन में क्रमधारय के साथ बहुव्रीही दिया हो तो महावीर जो शब्द होता है पर्टिकुलर इस देवता के लिए इस्तेमाल होता है, इसीलिए आपको यदि क्रमधारय और बहुव्रीही दोनों ऑप्शन में दिए होते हैं तो आपको बहुव्रीही करना चाहिए, क्योंकि वो पर्टिकुलर पहले से चीज़ें चली आ रही, उसी का नाम है,
ठीक है। उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल ले लीजिएगा आप बहुवरी का इसी तरीके का। प्रधानमंत्री, अब बताओ भाई, मंत्रियों में प्रधान है जो, मंत्रियों में प्रधान है जो। अब सभी मंत्रियों को तो प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं, मंत्रियों में प्रधान है जो, प्रधान है जो, कौन है, मोदी नहीं लिखना है अभी, कौन है, प्रधानमंत्री। अब मंत्री, सभी मंत्रियों को तो प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं, एक पर्टिकुलर पद के नाम को ही बोल रहे हैं प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चलो आगे नेक्स्ट। अब हमने देखा कि हमने सारे उदाहरण पढ़ लिए, द्वंद्व पढ़ लिया, बहुव्रीहि पढ़ लिया, द्विगु, कर्मधारय, एक होता है। अब एक और बात छूटेगा कुछ नहीं, नोट, एक होता है ने तत्पुरुष समास। ने तत्पुरुष समास, ने तत्पुरुष समास में ने का मतलब होता है नहीं, ने का मतलब क्या होता है, ये एचटेट वाले बच्चे जो थोड़ा ध्यान देंगे इस चीज पर, ने का मतलब होता है नहीं, यानी कि ऐसे शब्द जो निषेधात्मक, जैसे कि जिन शब्दों के आगे गैर लिखा हो, ए का मतलब भी क्या होता है, नहीं होता है, गैर लिखा हो, ए लिखा हो, या फिर ना लिखा हो, या फिर अनलिखा हो, ए लिखा हो, जैसे कि ए का मैं बताती हूँ, जैसे कि ए योग्य, ठीक है, योग्य नहीं, उसके बाद गैर, ये पेपर का है भाई, आया था गैर कानूनी, गैर कानूनी शब्द में कौन सा तत्पुरुष, कौन सा समास है, ने तत्पुरुष समास है, बस यही आता है, ने तत्पुरुष समास है। अब आगे चलिए कि जैसे पदों की प्रधानता कई बार पूछता है, पदों की प्रधानता कि किस में कौन सा पद प्रधान है, पद की प्रधानता, यहाँ पर आपने क्या करना है कि अव्यभाव समास जो है, अब ये प्रधानता होती क्या है, जब आप विग्रह करते हो तो पहला पद जो आता है, जैसे कि मैंने यथाशक्ति का किया, शक्ति के अनुसार पहला पद आपको पावरफुल सा नजर आ रहा है। दूसरी चीज, इस शब्द को जब आप वाक्य में प्रयोग करते हो तो कोई भी वाक्य बना लीजिएगा, शक्ति पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे कि अविकारी पढ़े थे हमने, अव्यय होता है पहला पद, इसमें कौन सा पद प्रधान होता है, पहला ही पार्ट होता पहला पद, उसके बाद तत् कर्म दवी, तत्कर्म दवी यानी कि दूसरा पद, तत्कर्म दवी दूसरा पद, तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु समास की, तत्कर्म दवी तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु समास का दूसरा पद प्रधान होता है। उसके बाद क्या बच गया, दवंद, दवंद के एक और दो पढ़े हैं ना अभी तक, पहला और दूसरा दोनों होते हैं, पति पत्नी की बराबर की अहमियत होती है घर में, या पति पत्नी मैंने किसमें लिखवा था, दवंद में, क्या बच गया, बहुव्रीहि बच गया, क्या बच गया, बहुव्रीहि बच गया, बहुव्रीहि समास के क्या होता है। अब तक हमने क्या पढ़ा, पहला पद प्रधान, तत्कर्म दवी दूसरा पद प्रधान, दवंद में दोनों पद प्रधान, बहुव्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं, बहुव्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं, यानी कि जो पद इस्तेमाल हुए हैं, नीलकंठ, नीला जमाकंठ या नील नीला है कंठ जिसका, या कुछ भी जो इस्तेमाल हुए, पीताम्बर, लंबोदर, दो पदों के मेल से बने जरूर हैं, परंतु किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तीसरा व्यक्ति यानी कि मैं कह दूँ कि तीसरा पद प्रधान है, एक ही बात आएगी, या तो ऑप्शन में तीसरा पद लिखेगा या ऑप्शन में कोई भी पद प्रधान नहीं है। चलूँ आगे।